हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिव्यास क्रिएटिविटी क्लासेस। आज हम लोग ये प्लेट डेकोर करेंगे, जो कि फेस्टिव सीज़न एकदम पास में ही आ गया है। तो हम लोग जन्माष्टमी, राखी, बहुत सारे फेस्टिव सीज़न अब लगातार ही आ रहे हैं। तो हम लोग ये प्लेट डेकोर करने को देखेंगे, कैसे डेकोर मैं कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसा प्लेट डेकोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टील का प्लेट ले रही हूँ, आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं। उस पर मैंने फैब्रिक लगा लिया, फिर मैंने यहाँ पे फैब्रिक को अच्छे से स्टिक कर लिया। अब मैं यहाँ पे पीकॉक का शेप दे रही हूँ। यहाँ पे मैं सिल्क का क्ले का यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं पीकॉक का शेप दे करके इस तरह से मैंने बना लिया। सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया, अच्छे से सूख जाएगा। तो उस पर मैं अब थोड़ा सा कलर कर लूँगी। जो पीकॉक का कलर होता है वो मैं यहाँ पर इस जो मैंने पीकॉक बनाया उस पर अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे देखिए पिकॉक पे स्टैंड भी एक बना दिया कि जो हमारे प्लेट पे वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और अब थोड़ा सा पिकॉक को डेकोर कर लेंगे। यहाँ पे मैं चेन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चेन नहीं है तो आप पर्ल का भी, गोल्डन पर्ल का यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा ये पिकॉक रेडी है, वहाँ पर मैंने स्टिक कर लिया प्लेट पर। अब इसके पंख को बनाने के लिए यहाँ पर मैं मोर के पंख का यूज़ कर रही हूँ, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद हमारा प्लेट। देखिए इस तरह से पूरा हमें मोर के जो पंख होते हैं वो स्टिक कर लेना है। और थोड़े से पर्ल को और डेकोर करने के लिए मैंने यहाँ पे पर्ल का यूज़ किया है, वाइट पर्ल का। तो आप भी वहाँ पे ऐसे ही स्टिक कीजिए। और थोड़ा सा और डेकोर करने के लिए ये मेरे पास थोड़ा सा फ्लावर, जो राखी नहीं होते हैं पुराने राखी, उसका मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, वहाँ पर मैंने स्टिक कर लिया, जिससे वो और भी सुंदर लग रहा है। रेड कलर लगने के बाद वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मेरा जो ये प्लेट का जो फैब्रिक है वो एकदम सिंपल था, तो इसलिए उसको डेकोर करने के लिए मैंने गोल्ड पर्ल का यूज़ किया है। अगर आपके पास डिज़ाइनर फैब्रिक है तो आपको ऐसा ये पर्ल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप एज इट इज़ भी उस पर उसको स्टिक कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया। और अब मैं रोली चावल रखने के लिए जो अपना एक्रेलिक कलर का जो कैप होता है उसका रिसाइकिल कर रही हूँ मैं। वहाँ पे थोड़ा सा उसको भी डेकोर करके उसको स्टिक कर लूँगी मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप हो सके तो आप इस कैप को कलर भी कर सकते हैं, या तो और भी क्या नाम है, पर्ल से भी इसको स्टिक कर सकते हैं। जैसा आपका मन वैसा आप इस कैप को डेकोर करके उस प्लेट पर आप स्टिक कर लीजिएगा, जो हमारा रोली चावल रखने का यूज़ करें। और थोड़ा सा डेकोर करने के लिए प्लेट को मैं यहाँ पे लेस का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये पर्ल वाले लेस थे। आपके पास जो भी लेस हो, जो आपको अच्छा लगे, वो आप वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं, जिससे ये हमारा प्लेट और भी प्यारा लगेगा। और कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको ये प्लेट बनाने में, बहुत ही अच्छा। अपने हाथ से बनाने में जो मज़ा है वो मार्केट से लेने में मज़ा नहीं है। आप भी ऐसा प्लेट कुछ बनाइए और अपने फेस्टिव सीज़न को अनोखा बनाइए। तो अब मैं यहाँ पे जो हम कैप लगाए हैं उसको थोड़ा सा डेकोर करने के लिए मैंने यहाँ पे जो छोटे वाले पर्ल होते हैं उसको स्टिक कर लिया है। गोल्डन कलर का पर्ल है। आप भी उसको पर्ल से या तो लेस से आप भी डेकोर कर सकते हैं अपने कैप को। अगर कैप नहीं है तो आप छोटे छोटे जो बाउल होते हैं वो भी यहाँ पे आप स्टिक कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर का जो कैप होता है उसका यूज़ किया है। तो हमारा ये प्लेट बनके तैयार है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक छोटे से प्यारे से DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।